अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम fast करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीकली एनालिसिस तो भी 20 मिनट्स का वीडियो तो मिनिमम बन जाएगा सो स्टे विथ मी पहले हम वीकली रिव्यू एक बार कर लेते हैं कि हमने बोला क्या था अगर आप लोग को याद होगा जब मैं ये चैनल बनाया था दिस चैनल राइट और मैंने ये बोला था ये चैनल को जब ये क्रॉस करेगा रीटेस्ट करेगा विच हेप एंडर मंडे वेडनेसडे तक आई होप एवरीबडी रिमेम्बरली टोल्ड इनकली मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे विल्ड थर्स फ्रॉम दैट इज जुलाई एट्थ नाइन्थ ऑनवर्ड्स वी कैन सेल ओके ये जुलाई एटथ को ही बहुत बड़ा फॉल हो गया एंड हमने ये फॉल इसलिए लास्ट वीडियो में जैसे बोला आई टोल्ड व्हाई वी नॉट टेक सेल लिया था हमने uh, sorry, हमने वाला लिया था लॉस so, बट we uh, I mean, so ये जो फॉल है ये फॉल को हमें इग्नोर नहीं करना था बिकॉज आवर व्यू वॉज के एट जुलाई से मार्केट डायरेक्शन जो लेगा वो डाउन का लेगा ओके बट थर्सडे था

वी We were नॉट एक्सपेक्टिंग एट 800 900 हंड्रेड पॉइंट फॉल इन बैंक निफ्टी ओके बट एनी ड मैटर यहाँ पे हमने पैसे बनाया यहाँ पे यहाँ पे अप टू वेनेसडे और लोगों को अगर याद है तो हमें हमने एच डी एफ सी और कोटैक बैंक दोनों में पैसे बनाए एंड एच डी एफ सी में लोगों को अगर याद होगा तो हमने एग्जैक्टली exactly फ्राइडे पे बाइंग की थी अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ स्टॉक्स एनालिसिस थोड़ा हम आज करेंगे बाद में अगर आप लोगों को याद होगा हमने फ्राइडे को ही बाइंग लिया था यहाँ पे

एंड वो भी बॉटम बाइंग ही थी राइट right? और हमारी जो टारगेट थी सबको याद होगा 760 की थी वीकली वीडियो uh, में क्या बताया था आपको कि स, 1750 target, 1760 और 1760, मेरे ख्याल से ये ट्यूजडे को ही आ गया था और जहां पे हमने कट किया था आई थिंक सेवनटीन के आसपास कहीं पे हमारा टॉप लॉस कट हुआ क्योंकि हमने ये कट तो नहीं किया था बिकॉज सेवनटीन फोर्टी थ्री ट्रेल किया था बट नेक्स्ट डे वी टू एंड यहाँ पे या यहां पे कहीं पे कट हुआ होगा तो so, पे हमने कट कर दिया और उसके बाद मार्केट ने फॉल किया सो वी ऑल्सो रोड दिस वन ओके सो इफ यू लुक एट फ्रॉम ए वीकली व्यू जो हमारा व्यू था कि मार्केट वेडनेसडे तक ऊपर रहेगा देन इट विल फॉल डाउन राइट तो व्यू तो सही हुआ पैसे हमने सिर्फ यहाँ पे बनाए यहाँ पे हमने ज्यादा पैसे नहीं बनाए इस दिन बनाया हमने फ्राइडे को बनाया एवरीबॉडी नोज ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था स्पेशली बैंक निफ्टी में लाइक दिस ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन पे और हमने फ्राइडे का एनालिसिस अगर मैं करूँ तो फ्राइडे का रिव्यू तो बनता है बिकॉज वी इन मेक एनी वीडियो आफ्टर फ्राइडे फ्राइडे में अगर आपको याद है मैंने बोला था कि यहाँ डे लो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं था डे लो के नीचे एक और एक ब्लैक लेवल था मैंने बोला था कि उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो आप बाय, पी बाय करोगे टारगेट हमारा थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड का था यहाँ पे ओके okay? और यहां से फिर मार्केट ने बाइंग दिया ये बाइंग भी हमने लिया ओके okay? और मार्केट एग्जैक्टली बॉटम टू टॉप अगेन एंड अगेन जब मार्केट यहाँ पे ये रेड कैनल बनाया तो मैंने बोला लॉन्ग क्लोज करो और हमने पीई लिया दिस वॉज लाइक काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग मैराथन ट्रेडिंग वट यू टूक ऑल दिस थ्री टूक दिस पी बाइंग दिस सी बाइंग दिस पी बाइंग ये पी बाइंग में भी हमारा सेवेंटी पॉइंट था और हमने एक्जैक्टली exactly यहीं पे कट किया ठीक है एक्जैक्टली exactly यहीं पे कट किया और उसके बाद तो मार्केट सबको पता है इट एक्सट्रीमली रेंज बाउंड ट्रेडिंग ग्यारह बजे ही खत्म हो गई थी जस्ट वॉच मार्केट आफ्टर दैट राइट दिस इज एक्टलीज इलेवन जीरो हमने यहाँ पे पोजीशन कट किया था ग्यारह बजे इलेवन ओ तो इलेवन ओ क्लॉक थ्री ट्रेड्स वन टू थ्री एंड ऑल स्विंग टॉप एंड बॉटम्स हाज

Now, what will happen in the next week? Okay. Uh, what will happen in the next week? So, first of all, I have added a regression channel here. If you see, the, this is the perfect time to add the regression channel considering bank Nifty's behavior. Now, if you look at this regression channel, what is your ideal view? Whether it is a positive regression channel or a negative regression channel. So, the view is ideally it is a positive regression channel.

यहाँ पे थर्टी सिक्स अभी बहुत दूर है वो रिस्की रिस्की बुलिस आप बन सकते हो अगर ये मिड लाइन भी क्रॉस हो जाता है बट ये मिड लाइन क्रॉस होने के लिए यहाँ पे एक हमारा लेवल है अगर आप देखोगे 35,600 सो दैट मीन्स मार्केट जब तक 35,600 के ऊपर क्लोज नहीं करता यू कैन नॉट बी बुलिस इन मार्केट नेक्स्ट वीक ओके मैं अपना ओवरऑल व्यू बताता हूँ मार्केट का Market for next week looks to me extremely, not extremely, but after one or two days, extremely weak. Okay. And a group may be two dates, uh, which is ideally 14th and 16th. So if you look at Monday, Tuesday, uh, Wednesday, or Friday, in either of these two days, we might see a, again an 800, 900 kind of fall of nifty like this.

below 34000 will go before 15 so it is very very risky but if i my mean 14 and 16 are combined where i am talking about minimum 1000 to 1500 kind of fall in that case that sell is very very safe kyunki agar 1500 point ka fall ho jata hai it will give me enough room to trail even in a selling position right enough room to trail plus agar market weak bhi ho jata hai it would give me a bonus because that value will become zero okay So, अभी अराउंड मैंने कितना 1260 के आसपास मैंने वो सेल किया है अभी उसका 100 पॉइंट ऊपर है 1360 के आसपास है वो और भी ऊपर जा सकता है आज़ आज़ पौंट पौंट, बट विल हमने हेज किया है हमने क्या किया है मंथली सेम 34,000 सी को बाय किया ठीक है तो हेज पोजिशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है विथ ए व्यू ट्वेंटी सेकेंड तक मार्केट डाउन साइड में रहेगा एंड आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड

अगर आप मार्केट में कैंडल ये ये रिग्रेशन चैनल हटाना नहीं है आपको ठीक है ये दोनों हटा सकते हैं वी डोंट नीड दिस ट्रेंड लाइंस एनीमोर हाउएवर वी नीड दिस दिस ट्रेंड लाइन वी वुड नीड सो थोड़ा इसको डार्क करते हैं ठीक है राइट वी डोंट नीड दिस सो वी नीड टू रिमूव दिस वी विल कीप दिस रिग्रेशन चैनल और एल्स यू कैन कीप ए लेवल 35600 के ऊपर ही यू विल बिकम बुलिश अदरवाइज नॉट ओके स्पेशली नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं तो इफ यू कंसिडर नेक्स्ट वीक यू कंसिडर दिसल इज अरा ऑफ दैट इज इट इज एग लो दैट मीन मार्केट अगर थर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड के नीचे प्रीवियस वीक लो भी है यहाँ पे हमारा एक लेवल भी है तो थर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड के नीचे अगर मार्केट बाई चांस ये वीक क्लोज कर देता है which might happen on a 14th or a 13th or a 15th then the fall that i was giving you a 1500 point fall from today's uh, closing sorry uh, tuesday's closing monday tuesday's closing so 34700 say how many points you will take we will take minimum thousand point okay 15 point 1500 point is on the higher side so 33600 सेवन हंड्रेड थाउजेंड या यहाँ पे एक लेवल आपको दिखला है ब्लैक लेवल ये जो हमने बनाया है रखा हुआ है पहले से दिस लेवल इज थर्टी थ्री थाउजेंड से थाउजेंड पॉइंट एंड देन अनादर फाइव हंड्रेड पॉइंट फॉर टिली थाउजेंड टू हंड्रेड दिस इज देश टारगेट फॉर अस नेक्स्ट वीक प्रोवाइडेड दैट मार्केट क्लोजेस Below thirty-three thousand seven hundred, either on Monday or Tuesday. Okay, so sorry, this is the target till twenty-second uh, July, guys. Okay, twenty-second July, not fifteenth. Twenty-second July. Okay, because you have a level here which is thirty-four thousand one hundred, where I This time, if it comes, then also it might give you a minimum three hundred to four hundred point buying before it falls down. Okay. सो so, ये जो हमारी टारगेट है ये टारगेट हमारी ट्वेंटी सेकेंड जुलाई तक आई डेली रहेगी ओके फिफ्टी फिफ्टी जुलाई का जो हमारा टारगेट होगा वो अगेन थर्टी फोर थाउजेंड का ही होना चाहिए थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड का ही होना चाहिए ओके नाउ इज मार्केट गोइंग टू कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड लाइक दिस 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 ट्रेड नॉट मे मे बी पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज 12 and 13 co market is a little bit confusing that means market can go upside but what i'm telling you guys is market is sell on rise next week okay that means if market goes up or gaps up we should ideally be ready to sell rather than taking a big buying on the positive side okay i'll give you scenarios when what is the stop loss when you will become positive what is the early sign? Because in a trading, it is very important to find the early sign. Early sign that will tell you that market will become positive. Because our level, safe level of becoming positive is this mid line, which is around thirty-five thousand six hundred. But can we know okay, market early? Can we get any early sign that market will go up? Okay.

okay we will sell again on 14 based on timing but not we are not going to sell on tuesday in that case the fall might happen on wednesday okay and if wednesday the fall doesn't happen then we know that it is going to be ultra bull probably on the positive side because three days the views cannot be continuously round. okay that means some up trade I and how the how the bullish engulfing candles should happen

ओके okay? अगर मंडे पॉजिटिव कैंडल नहीं बनता है दैट मीन मार्केट गैप अप हो गया गैप अप से सेल होके रेड कैंडल बन गया ट्यूजडे भी कंटिन्यू हो गया देन गाइज इन दैट केस आवर फिफ्टीन जुलाई टारगेट वुर्टी फोर थाउजेंड ओनली थर्टी फोर थाउजेंड ओनली ऑन द डाउन साइड ओके ये जो टारगेट मैंने आपको दिए हैं दैट इज वॉट ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टिल ट्वेंटी सेकेंड जुलाई आई मीन इट इट कैन वीडियो बट डोंट एक्सपेक्ट दिस टारगेट सेल हमारा है नो डाउट कॉल हमने सेल करके रखा हुआ है अगर हो गया तो बोनस मिल जाएगा बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम डाउन टू दिस जुलाई ओके सो दीकली व्यू गाइज ये ये एनालिसिस को याद रखना है ठीक है आपको मंडे का कैंडल का सीनारियो जो मैंने बोला है उसको याद रखना है उसके बेसिस पे सेल आपको वेस्डे को ट्राई करना है 34,700 के नीचे मार्केट वुड बी एक्सट्रीमली वीक हमने तो थाउजेंड पॉइंट का रेंज दिया है बट आइडियली इट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस इज अराउंड आइडियलीउंडीन हंड्रेड पॉइंट सी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अगर ये लेवल के नीचे गया देन यू विल गेट मिनिमम फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट काइंड ऑफ सेल इसलिए मैं बोला द मैक्सिमम टारगेट इज फिफ्टीन हंड्रेड पॉइंट फ्रॉम हियर ओके अब कितने दिन में आएगा दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन ओके बट द टारगेट वुड बी सेल ऑन राइट मार्केट इसके नीचे वीक है नो डाउट ओके मार्केट में बुलिश एब थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओनली तो ये स्टॉप लॉस के साथ भी आप सेल कर सकते हो पोजिशनल ओके आई वुड गो फॉर ए सेल ऑन राइज मार्केट फॉर द एंटायर वीक आई नेक्स्ट वीक ओके लेट से निफ्टी का निफ्टी में इट इज वेरी वेरी Uh, very, very simple uh, to trade Nifty. Okay. Is Nifty more weaker than Bank Nifty? I would not say more weaker, but it is similar in nature. Okay. Nifty is similar in nature. The only thing that you need to guys uh, make sure the trend line that I have drawn in Bank Nifty, if I do this trend line in Nifty, okay. थोड़ा ऐसे बट इफ आई डू लाइक दिसरेडीड दीकर बिलो द ट्रेन लाइन इट इज क्लोज बिलो द ट्रेन है इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो द ट्रेन लाइन दिंग दैट गिव एन ए पॉजिटिव ट्रापिंग फॉर द रिटेल ट्रेडर इज इट गिवेन ए बाइंग फ्रॉम फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स थर्टी जो हमारा लेवल ऑफ बाइंग है यहाँ पे हमने बहुत बार बाइंग लिया है ये बाइंग भी लिया है पहले भी एक बार बाइंग लिया है ये बाइंग भी लिया है दिस दिस फाइव टाइम्स लेवल और मैंने आपको पिछले दो दो महीने से ये लेवल देख के आ रहा हूं आप लोगों को अगर याद होगा कि फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटीन ट्वेंटी अभी ये सिक्स थर्टी हो गया टेन पॉइंट का डिफरेंस है दिस दिस इज ए लाइक डू और डाई लेवल राइट आप लोगों को अगर याद होगा और मार्केट हमेशा यहीं से ऊपर गया Five times it has gone five times. One, two, three, four, five. And probably this is the sixth time. Okay, this is the sixth time market went up from this level. Okay. But six times somebody is taking a support. I don't consider that support as very, very strong support. And I have already told you many times. Market agar nifty especially. 15,620 ke niche agar gaya. So it will be in a bear grip okay it will be very very hard for nifty to go up so that means it would be a sell on rise in most of the time it might be possible that nifty might not cross 620 level in the entire july month entire july month means up to i'm talking about up to 22nd july last week may any bull run can happen okay 22nd july 3rd, nifty might not cross 620 अगर ये मंडे इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो दैट so वुड अगर इसके नीचे मंडे मार्केट क्लोजिंग करता है मंडे का टारगेट तो मैं दूंगा ही दूंगा, ही ले लो, के आसपास का लेवल हमें निफ्टी में दिखना चाहिए इन एट टू नाइन ट्रेडिंग डेज ओके एट टू नाइन ट्रेडिंग डेज में वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट फॉल बिलो दिस लेवल ओनली अदरवाइज नॉट द कंटिन्यू फॉर मंडे अगर ये गैप डाउन के बुलिश बना देता है बुलिश तो ट्यूसडे को आप सेल नहीं करोगे आप वेडनेसडे को सेल करोगे एट ए चीटिंग लेवल ऑफ दिस फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी के आसपास अगर मार्केट अगर आया देन वेडनेसडे को हम दोबारा सेल चालू कर सकते हैं अगर मार्केट मंडे पॉजिटिव कैंडल बना देता है जिस केस में हम लोग पॉजिटिव हैं तो माय अपर साइड टारगेट फॉर ए वीकली बेसिस गाइस वीकली बेसिस 15,840 मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं ओके okay? फिफ्टीन का टारगेट है मेरा निफ्टी का यह हो सकता है कि मंडे अगर बुलिस कैंडल बना दे 740 तक ट्यूसडे भी एक हंड्रेड पॉइंट का कैंडल बना दे पॉसिबल है उसके बाद गिरना चालू करे ओके बट लेवल मार्केट मे गो देर मे नॉट गेट गो देर 15,840 अगर मार्केट मंडे ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है डोजी बनाता है या ट्यूसडे को भी ऊपर चला जाता है तो भी हम लोग जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है We will go for sell and rise, sell rise, sell rise market in Nifty. 620 can each. Do not buy Nifty for positional also. In the day, I scalping. Positional value, don't buy. Okay? Because this fall might be very, very sharp. This fall might be very, very sharp. And what I'm expecting is either on 14th or 16th, we might see a wonderful rate candle of this size in Nifty.

वही 1530 थर्टी जहां पे हमारा स्टॉप लॉस कट हुआ था फिफ्टीन के ऊपर ही हम एच डी एफ सी बैंक को बुलिस समझेंगे अदरवाइज एच डी एफ सी बैंक विल बी सेलोन राइज देखो वेरी वेरी हाई चांस कि ये ट्रेन लाइन टूट जाए वेरी वेरी आफ्टर ए गैप अपरी वेरी हाई चांस की यह ट्रेन लाइन टूट जाए बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड से नीचे चले जाए जैसे ही चला जाएगा एच डी एफ सी बैंक विल बी वीक दैट इज वाई आई एम सेट इज आईडियलीस्ट वीक राजाधन बाई ऑन डिप्स ओके कोटाक बैंक देखो ऑलरेडी वीक है और बॉलिंजर बैंक को आप इग्नोर भी कर दो इट इज एक्चुअली ऑन इट्स वर्ज ऑफ सपोर्ट इधर ये कंसोलीडेट करेगा ज्यादा से ज्यादा यहाँ सपोर्ट लेगा या फिर सिक्सटीन नाइनटी के नीचे और ये स्विंग लो के नीचे गया तो मार्केट दोबारा गिरेगा ओके ऐसी ऐसी बैंक में अगर आप देखोगे द कैंडल स्टिक पैटर्न इतना आपको बियरिस सिग्नल नहीं दे रहा है but bollinger band is clearly saying that it is on a bearish trend right now same with axis bank but the advantage of axis bank here analysis over icici bank is the candlestick formations what happened here is very clearly telling you that it is a bearish trend axis bank icici bank i'm not sure it might take support and go up but axis bank may not go if monday it doesn't form a positive candle now

ठीक है स्टेट बैंक से अगर ऊपर चला भी गया ना इट विल स्टिल अगेन सेल ऑन ओके क्योंकि बैंड बैंक ओनली बैंक ये कर सकता है. इसका क्या बोल रहा है इंडस इंड बैंक इज बियन ने सेकेंड कंफर्मेशन इज इंडस्ट्रीज इज गेटिंग बियरिस ऑन द टॉप ऑफ दर बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल ओके

अल्ट्रा पॉजिटिव सो बट ये जैसे कैंडल्सिक पैटर्न जैसे बना रहा है और जैसे टॉप से इन, इसने रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया है वेरी मच पॉसिबल जैसे ऊपर गया था वैसे ही नीचे साइड एक पोजिशन बना दे तो इंडसिंग बैंक को देखते राइज मारते रहना इट माइट गिव यू वेरी वेरी वंडरफुल ट्रेड ओके रिलायंस रिलायंस इज ऑलरेडी वीक स्विंग लो इज कट इसका अगला स्टेशन यहाँ पे टू थाउजेंड के आसपास है तो आई एम नॉट आई एम नॉट लाइक एंड इट्स ऑलरेडी ऑन द बॉल इंजर बैंक शायद देखो ब्लास्ट हो जाए ब्लास्ट अगर हो गया तो इस तरह की कैंडल बन जाएगी टू थाउजेंड एक ही दिन में आ जाएगा ठीक है तो दैट माइट बी फोर्टीन और सिक्सटीन जहां पे निफ्टी टू हंड्रेड पॉइंट फोर लोने की पॉसिबिलिटीज है एच डी एफ सी बैंक इज ऑल्सो वीक नथिंग टू टेल ओके सो देखो नन ऑफ द टॉप टेन स्टॉक्स दैट आई एम लुकिंग एट लुक्स टू मी पॉजिटिव सो देर इज नो रीजन ऑफ स्टेइंग अल्ट्रा पॉजिटिव ऑन मार्केट मार्केट अगर ऊपर जाता है बाई चांस तो सेलोन राइज ही रहना है ठीक है होप एवरीबडी इज क्लियर टारगेट मैंने सबको दे दिया है नाउ लेट लेटेस्ट कम बैक टू द ट्रेडिंग प्लान ट्रेडिंग प्लान थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग प्लान में guys, ये देखो मार्केट इज जो स्ट्रक्चर बना है ना मार्केट का उसके हिसाब से हमें ट्रेंडिंग व्यू मिल सकता है मंडे को ट्रेंडिंग व्यू मतलब वन साइड ज सेन्डल और बियर व एग्जाम्पल आपको क्या दिया मार्केट अगर गैप डाउन होकर अल्ट्रा बुल कैंडल बनाता है तो ट्यूजडे को भी हम सेल नहीं करेंगे सेल करेंगे एवरीबडी इज क्लियर बट हाई चांसेस क्या है जैसे आप ग्लोबल मार्केट अगर आप देख रहे हो हाई चांसेस क्या है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो ओके okay? मार्केट अगर पॉजिटिव गैप अप ओपन होता है आप देखना गाइस मार्केट गैप अप ओपन कहां पे होता है 690 पे 740 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप हो जाता है देन इन दैट केस आपका 790 आएगा और ये पॉसिबिलिटीज भी है कि ट्यूसडे जो मैंने आपको लेवल दिया था 840 का एक लेवल दिया था राइट right? 840 का एक लेवल दिया था वीक का वीक का टॉप नेक्स्ट वीक का टॉप 840 पॉसिबिलिटीज है कि यहां तक भी ट्यूजे मार्केट आ जाए उसके बाद फॉल करना चालू करेगा ओके सो क्वेश्चन पीपल कैन आस्क अगर मंडे यहां पे मार्केट गैप अप ओपन होता है हमें सेल करना है या बाय करना है ओके सो आइडियली यू कैन गो फॉर ए बाय देन यहां पे टेन पॉइंट जैसे ही यहां पे पहुंचे जरूरी नहीं है कि एट फोर्टी तक आए ओके आम द हाइस्ट लेवल यहाँ पे और एक बार आप सेल ले सकते हो तो वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने थर्टी पॉइंट्स गेन किया तो यहाँ पे टेन पॉइंट का सेवन नाइन्टी फाइव एट हंड्रेड का फिफ्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का स्टॉपलेस लगा के फिफ्टीन थाउजेंड नाइन सेवन नाइनटी से यू कैन गो फॉर ए सेल ओके दिस माइट गिव यू सेल ऑल्सो गारंटी नहीं है कि यहां तक आएगा ओके okay? अगर मंडे को इसने ये सेल दे दिया और सक्सेसफुल आपका हो गया या तो स्टॉप लॉस उड़ेगा

सेकेंड टारगेट इज फ्राइडेज लो स्ट्रेट ओके ये टारगेट वेरी इजी टू अचीव ये टारगेट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट ये पचास पॉइंट का आपके आसपास टारगेट इजिली मिल जाएगा बट पचास पॉइंट ले लिया तो बहुत है पोजिशनल सेल वाले गया पोजिशनल सेल चालू कर सकते हैं ऑफकोर्स अगर यहाँ से आया मार्केट यहाँ तक गिर गया और नीचे 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 चला गया उसको आप पोजिशन में कन्वर्ट कर दो ट्यूजडे भी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा हाँ ये होता है ये हो सकता है कि रेंज बाउंड हो जाए या फिर ट्यूजडे नीचे से आ जाए और ऊपर चला जाए और फिर वन से दोबारा के नीचे weak, okay? तो आप पोजिशनल सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं दिस इज गैप ऑफ सीनारियो गोस्ट लाइकली टू है मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है गैप डाउन में देखना के माइल्ड गैप डाउन होता है यावी गैप डाउन हो जाता है ओके okay?

ये चांसेस भी है कि मार्केट यहां से 660 तक जाए जहां पे ये स्विंग हाइज हैं और ये 660 से फिर फॉल दैट मीन 20 25 पॉइंट्स का फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं ऑप्शन में 10 टू 15 पॉइंट्स का एक स्काल्पिंग आपको कर सकते है बट इसको आज ए स्काल्पिंग ट्रेड ही आपको लेना है मार्केट मार्केट आइडियली कैन फॉल अगेन फ्रॉम हियर ओके राइट मार्केट अगर 630 के नीचे चला गया और 15 मिनट कैंडल इसने सस्टेन किया गैस नेवर बाय डू नॉट बाय एट ऑल इन दैट केस द टारगेट वुड बी 590 ओके okay? 40 पॉइंट्स का टारगेट है स्ट्रेट द सेकंड टारगेट वुड बी 550 ओके सेकंड टारगेट वुड बी 550 550 शायद ना आए बट 590 का टारगेट आपका इजीली 40 पॉइंट्स आपको मिल जाना चाहिए हाँ 40 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाना चाहिए ओके okay? ये लेवल को याद रखना गाइस

फोर्थ ट्रेड उची जगह ने गुड ट्रेड इफ मार्केट बेसिकली लेट से ओपनिंग ही है ओके एंड कमिंग डाउन कमिंग अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको देखना है कि मार्केट जाता है कितने पहले ओके okay? यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हुआ नीचे आया नीचे आया तो यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड बनेगी नहीं हमारी ट्रेड इसके नीचे बनती है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी के नीचे बनती है थर्टी पॉइंट्स का सेल देन ट्रेड ओके मोस्टली ये ट्रेल नहीं होगा कट हो जाएगा बट ये ये भी ये एरिया स्कैल्पिंग एरिया है मेरे लिए ओके निफ्टी में टुमारो दिस इज ए स्काल्पिंग एरिया परफेक्ट ट्रेड इज सेल फ्रॉम हियर टू हियर सेल फ्रॉम हियर टू हियर बाय फ्रॉम हियर टू हियर एंड सेल फ्रॉम हियर टू हियर ओके एंड वेट फॉर द मार्केट टू कम टू योर लेवल बीच में घुसोगे ना कुछ भी नहीं कर पाओगे ओके आई होप एवरीबडी इज क्लियर यू हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स इन दीडियोज दैट वी नीड टू वेट फॉर लेवल वेट ओके डोन्ट ट्रेड इन बिटवीन बैंक निफ्टी में सिंपल है बैंक निफ्टी का भी सेल जोन यहीं पे है कल 35,275 से सेल है हंड्रेड स्टॉप फाइव वुड बी 320 थ्री हंड्रेड ट्वेंटी दैट मीन सिक्सटी पॉइंट का सेल 20 30 के आसपास 60 पॉइंट का स्पॉट में स्टॉपलस के साथ यू कैन गो फॉर सेल मार्केट 275 से थर्टी 50 व्हिच इज अराउंड 200 पॉइंट स्ट्रेट कैन गिव यू रेस्ट इज बोनस अगेन वेरी हाई चांस के मार्केट कैन टच दिस ट्रेंड लाइन अगेन बट दैट इज ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इट सो द ट्रेड इज हियर इज वेरी सिंपल मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप कर देता है ओके सेल जोन ये सीनारियों मैंने लास्ट लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेड कैसे करना है मार्केट गैपिंग अप कमिंग डाउन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल जोन एंड अगेन यू विल गो पॉजिटिव

मार्केट तो अगर यहाँ पे पहुंचता है तो आप सेल कर दो एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि बैंक निफ्टी में अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचता है तो सेल कर दो क्योंकि बैंक निफ्टी अगर सेल जोन के ऊपर बाय दे के तक पहुंच रहा है 95 परसेंट चांसेस मार्केट यहाँ से गिरेगा यहाँ तक अगेन इन दैट केस निफ्टी कैन नॉट गो अप सो इट हैज टू फॉल डाउन आल्सो ठीक है दैट इज द रीजन आई एम सेइंग 840 का टारगेट नहीं आएगा 790 से आप सेल कर सकते हो ओके एवरीबडीज क्लियर ये बाय लेना है आपको और ये सेल भी लेना है तो मंडे कुड भी गैप डाउन होता है मार्केट पॉजिटिव होना चालू करता है ओके यू गो फॉर ए बाइंग द मोमेंट इट क्रॉसेस थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवनटी गो फॉर ए बाइंग यू कैन टेक द बाइंग अप टू की थर्टी फोर थाउजेंड नाइन सेवनटी से अगर आप बाय ले रहे हो उन so हो जाता है गैप डाउन चाहिए ट्रेंड लाइन के आसपास गैप डाउन हुआ पॉजिटिव कैंडल बनाया और इसके ऊपर गया बाय ओनलीस बिकॉज हाई चांसेस के मार्केट यहाँ पे जाएगा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा ओके बाय अब दिस बट इट इज अगेन इज स्काल्पिंग और ट्रेलिंग स्टॉपलस वाला ट्रेड क्योंकि हाई चांसेस है कि मार्केट पिवट से भी आपको रिएक्शन दे दे तो यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हो स्टॉप तो लॉस आपका ट्रेल टाइट होना चाहिए एक पॉइंट दो पॉइंट जो भी हो डोंट लूज द मनी इन दिस ट्रेड ओके दैट इज माय एडवाइस बट बट अगर मार्केट कभी इसको क्रॉस कर लिया अगर यहां से सेल नहीं दिया क्रॉस कर लिया लेट से और आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा ट्रेलिंग देन यू शुड टेक द टारगेट अप टू थर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव इजिली ओके नाउ

बिकॉज ये लेवल के नीचे जाएगा वीकली लो के नीचे जाएगा ट्रेन लाइन के नीचे जाएगा इट इज़ ए कॉन्फिडेंट है ओके थर्टी फोर थाउजेंड एट सिक्सटी एट एट सिक्सटी फाइव आप ले लो और ये लो ले लो इसका लो थोड़ा नीचे है और एट सिक्सटी फिफ्टी नाइन पे है हाँ तो एट सिक्सटी ले लो आप एट सिक्सटी के नीचे अगर मार्केट गया वेरी हाई चांसेस ये थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स सेवन हंड्रेड तक आएगा दैट मीन्स हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट्स आप फ्यूचर में ऑप्शन में हंड्रेड पॉइंट के आसपास एट द मनी अगर आप पी बाय कर रहे हो, तो ईजिली ले सकते हो ओके okay? एंड अगर मार्केट ये सिनारी बन देता है और मंडे ये ट्रेन लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है मंडे इसके नीचे ही क्लोज करता है देन यू बिकम श्योर दैट योर पोजिशनल सेल इज गोइंग टू वर्क एंड द टारगेट उसके इसमें हमने जो दिया है थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये हंड्रेड पॉइंट का रेंज यहाँ पे मार्केट एक बार आ जाएगा ओके okay? आई होप एवरीबडी इज क्लियर गाइज सिनारियों जो मैंने वैंग निफ्टी में तो मैंने ज्यादा बताया नहीं बट जो सीनारियो मैंने निफ्टी में बताया सेल जोन सेम है सिमिलर काइंड ऑफ सेल जोन है गैप भी सेम है बाइंग जोन भी सेम है ठीक है तो सेम सिनारियो आप रिपीट करके ये लेवल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो टू मोरो लुक्स लाइक एन वन साइडेड मूव फॉर मार्केट एंड टू गिव यू अ वर्डिक्स ऑन मंडे My preferable trade will be market gaps up, gives us, gives us a sale from this sale zone, both nifty and bank nifty, and it stays negative entire day and close near to Friday's low. That would be a perfect ideal trade and view from our side. Okay. Thank you very much for listening. Good night, Jamathan.